पंचायत सचिवों की लंबित मांगों को लेकर मध्य प्रदेश पंचायत सचिव संगठन के ब्लॉक अध्यक्ष धीरज सिंह यादव ने पंचायत सचिवों के साथ 3 सूत्री मांगों को लेकर मध्य प्रदेश लोक निर्माण विभाग के राज्य मंत्री सुरेश धाकड़ राठखेड़ा के कार्यालय पर पहुंचकर मंडल अध्यक्ष विक्की मंगल आशुतोष जामिनी को ज्ञापन सौंपा है, जहां ज्ञापन में लंबित मांगों के निराकरण की बात कही है। बता दें कि ग्राम पंचायत सचिवों की लंबित चली आ रही मांग, जिसमें छठवें वेतन मांग की गणना सही तरीके से की जाए, जिससे उन्हें सातवें वेतन मांग का लाभ हो, पंचायत सचिवों का विभाग में संविलियन किया जाए, अनुकंपा नियुक्ति का सरलीकरण किया जाए, जिससे दिवंगत सचिवों के परिवारों को नौकरी मिल सके। इन्हीं मांगों को लेकर राज्य मंत्री सुरेश धाकड़ राठखेड़ा के कार्यालय के नाम पर ज्ञापन सौंपा है। इस दौरान धीरज सिंह यादव ब्लॉक अध्यक्ष सचिव संघ पूरन भार्गव सचिव राजकुमार पुराणिक नरेंद्र जाटव सहित अन्य सचिव मौजूद रहे। पौरी से धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। आज सचिव संघ के द्वारा एक ज्ञापन सौंपा गया है, क्या कुछ ज्ञापन की मांगे? हम पंचायत सचिवों की कई वर्षों से लंबित जो मांगे पड़ी हुई हैं उनके संबंध में हम राजशासन को, जैसे छठवें वेतन मान की गणना है, अनुकंपा नियुक्ति के संबंध में है, हमारी सातवां वेतन नहीं लगा हुआ है, अन्य सभी हमारी अध्यापक संवर्ग को लग गया है, हमारा नहीं लग चुका है। कितनी मांगों को लेके आपने ज्ञापन सौंपा है? हमारी ये तीन मांगे हैं। इस समय छठे वेतन मान की गणना सही होनी चाहिए, हमारी पंचायत सचिवों का विभाग में संविलियन भी होना चाहिए और अनुकंपा नियुक्ति का सरलीकरण होना चाहिए। ये हमारी तीन मांगे मुख्य।